झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी संगठन के 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर इंदर गंजू के द्वारा झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर आप सभी मीडिया के बंधुओं से पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुरोध करते हुए समाचार संकलन को प्रमुखता देने की अपील की है। सर्वप्रथम आज इस प्रथम मैं आत्मसमर्पण के कार्यक्रम में झारखंड पुलिस और झारखंड पुलिस और झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पुलिस अधीक्षक चतरा के द्वारा शुरुआत में बताया गया कि आज का दिन झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के लिए एक बड़ी उपलब्धि का दिन है। आज संयुक्त दलों के द्वारा झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में जो कार्य किया जा रहा है उन सभी दलों के लिए आज एक सफलता का दिन है, क्योंकि भाकपा माओवादी संगठन का शीर्ष कमांडर इंदर गंजू, जो कि रीजनल कमेटी मेंबर है और जिस पर झारखंड सरकार के द्वारा 15 लाख का इनाम घोषित किया गया था, उसके द्वारा आज झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत इस नीति से प्रभावित होकर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों और कर्मियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड को उग्रवाद मुक्त राज्य बनाने हेतु और इसी संकल्प के साथ पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक झारखंड महोदय के दिशा निर्देश और उनके नेतृत्व में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी और अन्य एजेंसी जो इस कार्य हेतु काम कर रही है और साथ साथ हमारी जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है डोगरा, झारखंड जगबार, इन सभी के द्वारा लगातार एक सार्थक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में विगत वर्षों में खासकर विगत दो श्री एनके सिंह कमांडेंट सीआरपीएफ और उनकी पूरी टीम, इनका इसमें सबसे बड़ा श्रेय है, सबसे बड़ा रोल रहा है, जिनके अथक प्रयास से और प्रयत्न से आज इतनी बड़ी सफलता पुलिस को प्राप्त हुई है, सीआरपीएफ को और संयुक्त दलों को प्राप्त हुई है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम ये आशा करते हैं कि जो बचे हुए माओवादी संगठन के जो और सदस्य हैं वो निश्चित रूप से संयुक्त दलों के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे, उस ओर हमारा प्रयास निरंतर जारी है। मैं आपके माध्यम से पुनः सभी वैसे लोगों से या वैसे जो एलिमेंट्स हैं जो अभी भी माओवादी संगठन में हैं उनसे ये अपील करूंगा कि हिंसा का रास्ता छोड़े, मुख्यधारा में शामिल हो, हम आपका स्वागत करेंगे, समाज की मुख्यधारा से आपको जुड़ने में हम मदद करेंगे, लेकिन अगर आप हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो आपके साथ वही होगा जो आपके साथियों के साथ हुआ है, और या तो आप पुलिस की गोली से मारे जाएंगे या पकड़े जाएंगे। थैंक यू। इसके बाद मैं झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ के आईजी सर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा।